प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन मुख्य मुद्दे हैं तो हमारे माननीय मिनिस्टर जितेंद्र आवास साहब ने उनकी मेहनतों से जो कामों को किया था उसका आज आने वाले दिनों में उद्घाटन किया जाना और उसमें मेन एक पैसा का हॉस्पिटल और दूसरा आईटीआई जिसका उद्घाटन बुधवार इंशाअल्लाह 12:30 बजे किया जाएगा और बुधवार 12:30 बजे भूमि पूजन सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात ये हमारे सीनियर नगर सेवक सिराज डोंगरे साहब की वार्ड में है तो सारी डिटेल जो है वो वही बताएंगे मतलब अच्छा है कि हॉस्पिटल की क्या डिटेल पूरी वही चीजें उनके वार्ड में है तो मैं ऐसा चाहूंगा कि हमारे सीनियर लीडर सिराज डोंगरे साहब बाकी सब चीजें बताए। सबसे पहले मैं सभी पत्रकारों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो एक चीज जो निमा कौशा वालों का खाप और जिसकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही थी वो था उसे अंदर साहब जो बात है मंत्री ने बने अपने सभी लोगों की दुआओं से उनका भी एक बात था कि जो ऐसी चीज बने तो मुमरा कौशा की जो अक्सर आदमी गरीब लोगों पर है उनके लिए हॉस्पिटल बने और उसकी कोशिश भी उन्होंने की और वो उसका इनॉग्रेशन जो है 27 तारीख को होने जा रहा है उसी सिलसिले में हम आपको कुछ मालूम देना चाहते थे कि ये बात सदा युवा तक पहुंचे। अब जो पहला टेंडर जो ओपन हुआ है वो
उसके बाद में कुछ मशीन ऐसी है जो हम लोग को बाहर से लानी पड़ेगी, जैसे MRI स्कैन जो है आज पूरे थाना के अंदर 1.5 टेस्ला की मशीन लाई जाती है, सिर्फ दो जगह पर है ये, एक श्री MRI स्कैन के अंदर है और एक जुपिटर के अंदर 1.5 टेस्ला। हमने यहाँ पर 1.8 टेस्ला मशीन का प्रयोजन किया है जो पूरे बम्बई में सिर्फ 3 कंप्लीट इन बॉम्बे सिर्फ 3। हम मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि क्योंकि मुमरा पहले से बहुत बहुत जमाने से मतलब अछूता रहा है, हम लोग हमेशा लेट रहे हैं काम करने के अंदर, अब हम जो चीज़ लाएँ तो वो इतनी अच्छी हो कि हमको उसके ऊपर फख्र और गर्व महसूस होना चाहिए कि हमने जो काम किया अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से किया। इसके इसके प्रोजेक्ट इंचार्ज जो है मतलब इसके जो डेप्यूटी सिटी इंजीनियर हमारे जो हैं वो अनिल ओ पाटिल साहब करके हैं, इज अ डेप्यूटी सिटी इंजीनियर रेंज अनिल ओ पाटिल साहब, अनिल ओ पाटिल नहीं अनिल पाटिल दो हैं इसके लिए बोल रहा हूँ, अनिल ओ पाटिल लिखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज है, थोड़ा कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, उसका पोस्ट जो है वो डेप्यूटी सिटी इंजीनियर की है। हमने इसके अंदर एक प्रोविजन किया है, शायद आपको आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, हम जो ये 1,25,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमने इसके अंदर प्रोविजन इस तरीके से प्लानिंग इस तरीके से की है कि ये इन फ्यूचर आफ्टर 2 or 5 years ऑफ एग्जीक्यूशन हम इसको 300 बेड करेंगे, 300 बेड का हम लोग करेंगे, मगर हम लोग बात के मसले में नहीं जाते हैं, हम एक 100 बेड को ही पकड़ के चलेंगे कि जब वो 100 बेड का हॉस्पिटल चालू हो जाएगा 2-3 साल से चलना लगेगा, चलने के बाद उसको अपग्रेड करेंगे। अभी आप लोग एक सवाल हमसे पूछेंगे कि भाई आप इतना पैसा यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, इससे अच्छा आप कलवा हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऑक्सीजन डाल देते हैं, आज कलवा हॉस्पिटल मरने की कगार के ऊपर, तो हमने इसका भी प्रोविजन किया। ऐसा प्रोविजन कैसे किया आपको बताता हूँ मैं, कि हमने हमारी बजट पुस्तिका के अंदर जो हमारी हर साल बजट पुस्तिका होती है, बजट पुस्तिका के अंदर हमारा हॉस्पिटल बनने के बाद में जो हमारे अखराजात होंगे, जो हमारे खर्चे होंगे, हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे, जैसे वहाँ पर मेंटेनेंस करना होता है, कभी प्लास्टर का प्रॉब्लम होता है, कभी पानी की टंकी का प्रॉब्लम होता है, कभी ACs के प्रॉब्लम होते हैं, कभी डॉक्टर से केबिन एंड OPDs के फर्नीचर वगैरह के प्रॉब्लम होते हैं, कभी टाइलिंग वॉल्स का प्रॉब्लम होता है, कभी सीपेजेस का प्रॉब्लम होता है, कभी ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, तो हमने उसे कैलकुलेशन किया कि हमने जो काम कर रहे हैं हम जो यहाँ पर 67 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, करने के बाद में आफ्टर 10 to 15 years की डिफिक्ट लाइबिलिटी पीरियड खत्म हो जाएगी, जो 15 साल का डिफिक्ट लाइबिलिटी पीरियड रखा हुआ है कि आफ्टर 15 years को रिपेयर करना पड़ेगा, हम 15 साल के बाद में पैसा नहीं निकालेंगे, हम जिस दिन हमारा एग्जीक्यूशन हो गया उस दिन से 15 साल तक के हम इसके लिए कुछ पैसा जमा करते रहेंगे हर साल, ताकि हमको इन फ्यूचर आफ्टर 15 years जब हमको काम करना पड़े तो हमको वापस महानगर पालिका में लड़ने की जरूरत ना पड़े पैसा मांगने के लिए, ताकि हमारा पैसा आराम से जमा होता रहेगा, जब भी हमको जरूरत पड़ेगी भाई हमारे हॉस्पिटल में 5 करोड़ की जरूरत है, 2 करोड़ की जरूरत है, 3 करोड़ की जरूरत है, वो पैसा हमको फौरन मिल जाएगा करेगा। हमने चंद्र रखा क्या बताता हूँ, हमने चंद्र एक माइनर ओडी रखा है, एक मेजर ओडी रखा है, हमने चंद्र डायलिसिस सेंटर रखा है, पूरे थाना के अंदर एक भी टीबी आइसोलेशन वार्ड नहीं, टीबर क्लॉसिस जो होता है उसका आइसोलेशन वार्ड नहीं, हमको सीवड़ी भेजना पड़ता है, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को बिगर थर्ड ग्रेड की टीबी हो जाती है, सेकंड ग्रेड के अभाव की जो टीबी होती है तो उसको हमको सीवड़ी भेजना पड़ता है, वहाँ पे वो आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, उसके बाद में उनका इलाज किया जाता है, बहुत तकलीफ होती है हमारे मुमरा वालों को, भिवंडी वालों को, कल्याण वालों को, थाना वालों को, कलवा वालों को। हमने यहाँ पर टीबी का स्पेशल आइसोलेशन वार्ड रखा, उसके साथ में हमने यहाँ पे बर्न केयर रखा है पूरे थाना के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में बर्न केयर है, आपके अंदर कभी किसी को आग लग जाती है, किसी को चटका लग जाता है, किसी को जल जाता है, आप देखें तो उसको सिविल हॉस्पिटल भागते हैं, कलवा में वो फैसिलिटी नहीं है, किसी भी हमारे आरोग्य भवन के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है, हमने उसका भी एक प्रोविजन इसके अंदर किया है कि एक स्पेशल बर्न वार्ड होगा जहाँ पे सिर्फ बर्न पेशेंट्स को ही रखा जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे लेबर रूम रखे, अक्सर हमारे यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आए दिन हमारे घर के आपके घर की औरतों को मैटरनिटी के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जब हम सर्जरी करते हैं तो डॉक्टर टेंशन लेकर बैठा होता है, 25,000, 40,000, 30,000 भरना पड़ता है आपको पैकेज। अगर नॉर्मल डिलीवरी भी अगर हो रही है अगर आजकल, तो उसके लिए भी आपको पहले जब हम हमारे औरतें जब मंथ होती है प्रेगनेंसी का पीरियड चल होता है तो उनको रिकॉर्ड जाके वहाँ पे देना पड़ता है, अब आपको उस किसी तकलीफ नहीं होगी। हमने लेबर रूम जो बनाया है वो एट ए टाइम 50 पेशेंट्स को हम लोग लेबर रूम में रख सकते हैं, 50 लोगों को लेबर रूम में रख पाएंगे हम लोग, ताकि एट ए टाइम 50 लोग वहाँ पर अपना प्रेगनेंसी पीरियड का काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा होगा माशाल्लाह। उसके बाद में हमारे पूरे मुमरा में NICU नहीं है, अच्छी क्वालिटी का NICU नहीं है। NICU समझते हैं आप लोग, बच्चों का ICU होता है, इनबॉर्न जो बेबीज होती हैं, इनबॉर्न बेबीज को हमारे जमीला बेग मैडम हम उनका भी स्वागत करते हैं, हमारे पास बच्चों के लिए जब इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है हमको, मतलब उनका भी बच्चे प्रीमेचर पैदा हो जाते हैं, मतलब उससे पहले उनका अगर जन्म हो जाता है तो उनको इंक्यूबेटर में 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन रखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर NICU रखा है जिसकी तादाद तकरीबन 20 की होगी, 20 इंक्यूबेटर हमारे पास होंगे ताकि हमको उसका प्रॉब्लम नहीं आता। उसके बाद हमने ICU रखा है,
आईसीयू जैसे आप देखते हैं अक्सर हर हॉस्पिटल के अंदर चार या पांच का होता है। हमारे थाना के अंदर जो गढ़वा हॉस्पिटल में हमने जो नया आईसीयू बनाया है वो 20 बेड का है, हम इसको 28 बेड का आईसीयू रख रहे हैं, 28 बेड का आईसीयू रहेगा और हर चीज से लैस होगा। आपको वहाँ पर वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, हर चीज की गति से खत्म बनाया जाएगा। उसी के साथ में दूसरा प्रॉब्लम हमारे ये होता है कि अल्लाह ने करे कभी जो अचानक में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हमको हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, हमको लेकर के मरना पड़ता है, वेंटिलेटर यहाँ पर होते नहीं है, आईसीयू स्पेशल नहीं होता है, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, हमने चले स्पेशल इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट। ये तो हो गई हॉस्पिटल के अंदर की बात। अभी इस काम को हमारे जेई का नाम भी अनिल अनिल है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो कि अनिल पाटिल जो है वो डेप्यूटी सिविल इंजीनियर है, वो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं और ये प्रोजेक्ट पर बैठने वाले हमारे जेई है, जूनियर इंजीनियर है अनिल पाटिल साहब। इसके अंदर जो सामान यूज किया जाएगा, जो मटेरियल यूज किया जाएगा, जो काम किया जाएगा, उसको हमने ना हम लोगों ने ISI सर्टिफिकेट का लगभग दिया है, हमने टेंडर के अंदर ये क्लॉज डाला है, इसके अंदर कहीं पर भी क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी, हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके लिए हमने जितना एक्सपेंसिव चीज़ लेनी चाहिए थी हमने उसको पहले से प्रोविजन किया है कि जहाँ पर भी पैसे का जो प्रॉब्लम अगर हमको आएगा कि भाई इस चीज़ हमको खरीदने में पैसा कम पड़ रहा है, हमने वो सिस्टम नहीं रखा है, हमने बेस्ट तरीके का ISI मास्क का गोल्ड मेडल यूज करने के लिए कहा है। अब आते हैं इसके पैसे के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जिद्दोजहद जो हमारे 3.5 साल से लगी हुई थी, इस जिद्दोजहद करने के अंदर और सामने स्पेशल काम क्या किया, ये होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या बताता हूँ आपको मैं, क्योंकि 2013-14 के अंदर हमने मांगनी की थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, हमारे अजीत दादा साहब से, कि हमारे डिप्टी CM भी हैं वो, कि हमारे मुंबरा के अंदर हेल्थ केयर के लिए हमें कुछ पैसा दिया जाए। उन्होंने बजट का एलोकेशन किया था 13-14 के अंदर 14 करोड़ रुपये, जो मंजूर हो गए 14-15 के अंदर मंजूर हो गया, उन्होंने 4 करोड़ रुपये उन्होंने भेज दिया है महानगर पालिका के पास, 10 करोड़ का बैलेंस है। मगर कल ही हमें और सबसे कहा कि आप 14-14 मत करना, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 14 मत करना, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम लोग इस साल में भी अच्छा जैसे सब पहले हम इसको बढ़ा करके 14 का डबल करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको पैसे का प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ना हो। अब बाकी का बचा हुआ जो 33 करोड़ 83 लाख रुपया है वो TMC बेयर करेगी, जिसमें से 50 लाख रुपये का प्रोविजन करंट ईयर के अंदर हम लोग फिस्कल ईयर के अंदर हम लोगों ने वो रख दिया है, तो हमारा 4.5 करोड़ का फिलहाल बैलेंस बढ़ा हुआ है मार्च तक के लिए। हमारा जो करंट ईयर जो होता है 2015 का, हमारा 4.5 करोड़ का बैलेंस पड़ा हुआ है, जिसमें 4 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का, 50 लाख रुपया म्यूचुअल कॉर्पोरेशन का। अब हमारा बैलेंस बचा हुआ 10 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट का आना बाकी है और 33 करोड़ 33 लाख रुपया जो है वो हमारे पास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर रखा हुआ है, प्रोविजन नहीं किया क्योंकि वो हमको अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। टोटल कॉस्ट इसका 47 करोड़ 33 लाख बढ़ा हुआ बजट जो है, टोटल बजट बढ़ गया। आप समझ लो मेरी बात को, बजट प्रोविजन किया जाता है, बजट महानगर पालिका अभी आपको बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे, आप जब बिल्डिंग काम करते हैं तो आप कॉन्ट्रेक्ट को पूरा 43 लाख रुपये देंगे, जैसा काम करेगा उस तरीके से हमको पैसा देंगे। हमारा कैलकुलेशन है कि मार्च तक के 4 से 7.5 करोड़ के अंदर का काम हो जाएगा, एडवांस भरा होगा। मार्च के बाद से हमारा नया फिस्कल ईयर चालू हो जाएगा 2015-2016 का, हम लोगों ने प्रोविजन करके रखा है कि 33 करोड़ रुपीज हम लोगों ने उसके प्रोविजन किया हुआ है। नेक्स्ट ईयर के अंदर 33 करोड़ काफी लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 साल का काम टाइम में काम करने को 33 लगेगा, हमने 33 करोड़ का प्रोविजन करके नेक्स्ट ईयर के लिए फिस्कल ईयर का हमने रखा हुआ है। इन फ्यूचर हमारा काम अगर समझो गवर्नमेंट बहुत तेजी से करता है, हम तेजी से ना करें कि हमारे मुंबई से 4 महीने में बिल्डिंग बनती थी, आराम से करेगा 2 साल से करेगा, मगर कभी पास करता है बहुत अच्छे से काम कर लेता है अगर वो, तो पैसे वजह से रुकावट नहीं आएंगे किसी काम के अंदर। तो ये हो गया हमारा हॉस्पिटल के बारे में, ITI के बारे में हमारे सानू भाई आपको पूरा डिटेल्स देंगे। ये पहले मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, हॉस्पिटल का एक्चुअल माला नहीं है, 125,000 स्क्वायर फीट है, इसको हम हमारे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिलहाल टोटल हॉस्पिटल जो बनेगा इंक्लूडिंग ऑल मशीनरीज और ऑल डक्टिंग 67 करोड़ रुपीज़ का, 67 करोड़ रुपये का हॉस्पिटल है, जिसमें सिर्फ सिविल वर्क के अंदर हमारे को 47 करोड़ 83 लाख रुपये जाएगा, 11 करोड़ रुपये हमारे इंडियन मशीन के लिए जाएगा, 9 करोड़ रुपये हमारे को जो हम बाहर से मशीनरी लाएंगे, अच्छा ज्यादा मशीनरी जर्मनी से आ जाती है उस
इसके लिए हमने 9 करोड़ का प्रोविजन दिया हुआ टोटल बताया ना आपको मैंने 14 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिल मतलब मंजूर हो गया है घर के अंदर उसमें से 4 करोड़ का भेज दिया हमारे को 4 करोड़ का हमारा एक्चुअली में जमा हो गया कॉर्पोरेशन ने 50 लाख रुपए दिया 4.5 करोड़ का हमारा जमा हो चुका है मतलब मंजूर है पैसे सारे मंजूर है हमारे पास पैसे हमारा मंजूर है अगर हमारा काम चालू है और अगर कॉन्ट्रेक्टर अपनी बिल भेजा तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को छाक मार के पैसा उसको पे करना पड़ेगा 4.5 करोड़ का बिल बनता मार्च में 7 करोड़ का बिल बनता है मार्च में तो उनको काम करना है वो प्रोविजन हमने करके रखा और कैश पैसा हमारा 4.5 करोड़ में पड़ा 24 मैं आपको समझाता हूँ इसमें डेडलाइन नहीं होती है आप कभी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो टेंडर फ्लूट किया जाता है जब टेंडर फ्लूट किया जाता है टेंडर में ना एक वर्किंग आवर्स दिए जाते हैं कि विद इन 24 मंथ्स करना है या 18 मंथ्स करना है या 3 ईयर 36 मंथ में करना है अगर मैं बताता हूँ हमने इसको 24 मंथ लिया है और कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज की वजह से कुछ टेक्निकल कैलामिटीज की वजह से हमारा प्रोसीजर डिले अगर होगा और डिले करने में अगर कॉन्ट्रैक्टर की गलती अगर होती है तो हम उसको पेनलाइज कर सकते हैं जी बिल्कुल जी बिल्कुल हमने हमने इसके लिए बहुत धूप करके कदम रखा है हमने इसके अंदर जितना भी हम लोगों को माइनस एक्सपेक्ट जितने जिसको हमने कैलकुलेशन करने का हमने 24 महीना रखा है मैं ये समझता हूँ ये 24 महीना नहीं लगेगा अगर इनको बुधवार को मंगलवार को ऑर्डर मिल जाएगा कॉन्ट्रेक्टर को करना मैं ये समझता हूँ बुधवार को ऑर्डर मिलता है हमने उद्योग की विद इन 24 मंथ हम लोग को पूरा करने की 100% कोशिश 4 महीने हमने स्टेट कोर्ट अपना सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव निशान आप लोगों को मालूम होगा कि 15 मई टू 15 सितंबर आप कोई भी डिगिंग वर्क एक्सकेवेशन वर्क सिविल वर्क ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं कर सकते मगर क्योंकि हमारा प्राइवेट है अगर हमारा अभी सबसे अभी हम काम चालू कर रहे हैं अगर हमारा टोटल फाइलिंग कर पूरा हो जाता है हमारा एक्सकेवेशन हो जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मड अगर हो जाता है तो मैं समझता हूँ जून में जब हमारी नई बारिश चालू होगी तो हमारे को मानसून में काम रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम उसमें भी काम चालू रखेंगे मगर हमने प्रोविजन जो किया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव होते हैं हमने एक्सक्लूडिंग मानसून 24 मंथ्स रखा हुआ है मगर हम बारिश में भी काम चालू रखेंगे क्योंकि मुझे ये लगता है कि विद इन 4 मंथ्स हमारी पुलिस निकल जाएगी 67 करोड़ जी 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 सारे सेंशन किए और उसको 13-14 का प्रूफ मिला है ना? नहीं,
भूमि पूजन का ऐलान, उससे पहले कभी भूमि पूजन का ऐलान नहीं किया गया। प्रोसीजर जब जब पूरा होता है, जब ओपनिंग की जाती कोई भी चीज, आज जो है कि हम बुधवार के दिन 12:30 बजे मार्च के 5 या 5 तारीख को लगा है और 28 फरवरी को हमारा सैंक्शनिंग होगा कि अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ गया था, ये हम लोग आपको नहीं दे सकते, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको माननी चाहिए। 14 करोड़ का सैंक्शन लेटर, मंजूरी 14 करोड़ हुई है, 4 करोड़ का कैश भेज दिया हमें। आपको पता है जैसे जरूरत पड़ेगी अगर महानगर पालिका टोकन बजट देते हैं, टोकन बजट देते हैं कि भाई 4 करोड़ हमने आपको दे दिया, आप अपना काम शुरू कीजिए। अब बताता आपको मैं, जब एक हॉस्पिटल बनाया जाता है ना, इसके अंदर सबसे पहले हमारा कोई डीपीआर तैयार करना पड़ता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, एफआर तैयार करना पड़ता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं, ये दो तैयार करने में हमारा कम से कम 10 से 12 लाख रुपया जाता है। उसके बाद में जब डिटेल रिपोर्ट हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, उसके बाद में हम आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाना एक आम आर्किटेक्ट का काम नहीं है, तो हमको एक आर्किटेक्ट अपॉइंट करना पड़ा। आर्किटेक्ट अपॉइंट करने के लिए हमको टेंडर कॉल करना पड़ता है, हम किसी आर्किटेक्ट को ऐसे दे देंगे, फिर हमारे पास आरोप क्या लगेगा कि आपके पहचान का होगा, इसके लिए आपने दे दिया। हमने टेंडर कॉल किया, टेंडर कॉल करने के बाद हमने एक आर्किटेक्ट का अपॉइंट किया, अपॉइंट करने का उसकी पूरी कंप्लीट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई कि भाई इसमें ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, फिर हमने इसको हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पास भेजा, हमारे एचओडी हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर केंद्र इशारा जानते होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने फिर इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ बताई, वो तब्दीलियाँ बताने में और करने में हमारे 4 से 6 महीने गए, वरना हम लोग ये समझते थे कि हम लोग इसको मार्च में हमारा फेब्रवरी में हमारा पैसा आया, उन्होंने ये काम मई में जैसे 18 खत्म हुई है, उन्होंने जून में काम करना चाहिए था, मतलब ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, हम कोई भी काम अगर करते हैं तो हम उसका कंप्लीट होमवर्क करना चाहिए, हम लोगों ने बराबर होमवर्क करके काम नहीं करेंगे अगर, तो फिर उसके फ्लॉज और बातें आते हैं हमारे। और कुछ है हमारे महानगर पालिका के अंदर एक दो लोगों ने मांग की, बता दो आपको, सबसे पहले नगर सेवकों की मांग जो है ये 2007 से चल रही है कि हमारे पास 3 आरोग्य केंद्र हैं जी, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। हमारे मुमरा गांव में 3 बड़े आरोग्य केंद्र हैं, ठीक है, शायद आपको मालूम होगा, एक अनंत कोलीवाड़ा में है, दूसरा शामोबाई के वार्ड के अंदर के पीछे, और तीसरा कल्याण पटेल के ऊपर, ये हमारे 3 डॉट्स एंड 3 आरोग्य केंद्र वार्ड है। हमने उसकी हालत देखी जाकर हमारे लोगों को छोटे छोटे मंच के लिए या तो करवा मांगना पड़ता था या सिविल मांगना पड़ता। 2007 तक में हमारे पास मिनिस्टर जितेंद्र अवस्थी भी थे, आमना भी था ना, मनोहर भाई ये हालत कॉर्पोरेशन की, कॉर्पोरेशन के लिए मैं बता दूँ एक बात, सच्ची बात भी बताता हूँ, और ऐसा है ना नगर सेवकों की हालत क्या है मालूम है, सच्ची बात बताओ, नगर सेवकों का ऐसा मामला है कि एक फाइल कराने के लिए बेचारे लोग क्या क्या करना पड़ता है, वो तो अवार्ड सब जैसा आदमी है जो हमारे साथ कॉर्पोरेटर लोग की फाइल को पास कराने के लिए भी महानगर पालिका में आता है, तो अंदर गट नेता लोग बोलते अरे मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड फार्मा कॉर्पोरेशन में क्यों आते हैं, तो ये हमारे नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कैसा, हम तो डब्बे इंजन जितेंद्र अवार्ड महानगर पालिका जो है शिक्षण के हाथ में है और अक्सर शिक्षण ने मुमरा कॉलेज का सौतेला व्यवहार किया और उसकी वजह से हम लोग हमेशा दुश्वारी आपको देते आया करते थे, मगर मैं ये समझता हूँ कि 2007 के बाद जो हमारी नई खेप आई है, हमारे नए जो नगर सेवक आए हैं 2007 के बाद से, स्वाधीन हमारी शेरते बैठी है, इन्हें हमारे थाने महानगर पालिका जितने भी शिक्षण के नगर सेविका है वो इन्हें शेरते के नाम से आवाज देती है, हमारे शानू प्रधान साहब को भी आजकल यंग एंड डायनामिक कहा जाता है, तो हमारे पास एक अच्छी नई ब्रीड आई है जो जुझारू है, लड़ने में सक्षम है, तो हमारे पास एक अच्छी टीम बनी, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक का काम नहीं रहा, जैसे भी आपने कहा कि जितेंद्र अवार्ड साहब ही काम कर रहे हैं और सारे नगर सेवक के बस की बात नहीं, ऐसा नहीं है,
जहाँ हमारी जरूरत पड़ती है वहाँ हम भागदौड़ करते हैं। जहाँ भी आपको एक बार बताना चाहता हूँ, जिस दिन वो बैठे इसमें कांग्रेस अकेला अकेला वाइस चेयर कांग्रेस, हमने कभी भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी में भेदभाव नहीं किया। हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। कांग्रेस कभी भी एक दूसरे के ऊपर कांग्रेस होती है, हमने आपसे कभी देखा होगा मुंबला कोसा के अंदर किसी नगर सभा ने एक दूसरे के ऊपर किया होगा। कुछ लोग हैं जाति भर लोग जो है वो बोलते रहते कि मैं राष्ट्रपति हमारे कांग्रेस को करने देती है, मैं नहीं समझता। हमारे कांग्रेस के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग इससे पहले हम लोग तीनों आरोग्य केंद्र को नूतनीकरण किया, हमने तीनों आरोग्य केंद्र का नूतनीकरण किया। हमारा आनंद परिवार का नूतनीकरण किया गया, इनके यहाँ जो आरोग्य केंद्र है उसका नूतनीकरण चालू है। कल्याण पाड़े का नूतनीकरण की फाइल मंजूर हो चुकी है, क्योंकि वो हमारे वार्ड हमारे इसमें नहीं है, वो अविकसित गांव विकास योजना के अंतर्गत आ रहा है। वो एक अलग एक प्रोजेक्ट होता है अविकसित गाँव विकास योजना, क्योंकि वो स्पेशली गाँव में बनाया गया था तो उसकी वजह से वो लेट हो गया। अगर हमारे हमारे इसमें होता बजट के अंदर एमएलए फंड के अंदर या हमारे हम लोग कर देते हैं, हमने दूर कर दिया, तीसरे का काम चालू है, तीसरे का काम चालू है। अरे पच्चीस राजू भाई हाँ बोलिए राजू भाई, राजू भाई आपके आप लोगों के नगर सेवकों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए क्या फिर आमदार की जरूरत पड़ेगी? मैं समझता हूँ कि मैं अभी एक बार ऑफिस कहाँ बने ये हमारी टीम है, और मैं अक्सर आपने देखा कि मैं मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे फेसबुक पे जुड़ते देखता हूँ कि हम टीम बनकर काम करते हैं। कोई भी अकेला बैट्समैन मैच नहीं जिता सकता, मैच जीतने के लिए टीम को मिलकर काम करना पड़ता है। ये कंप्लीट हमारी टीम है, इसे तो कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं, टीम का एक लीडर है, इस टीम का एक लीडर है जैसे कैप्टन होता है टीम को, हमारी टीम का एक लीडर है, हमारी टीम का एक कैप्टन है जिसे माननीय श्री जितेंद्र अवसाव कहते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारा हमारा ही आधार है, हमने ही उनको यहाँ पर जिता कर लाया है, हमने उनको यहाँ पर जिताने का मौका दिया है, तो हम चाहेंगे कि हमारे हमारे कैप्टन से हम जितनी मदद ले सकते हैं उतनी मदद लेंगे। गुड 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 जी, हमारे स्कूल के अंदर कुछ जी हमारे स्कूल के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स अभी भी चालू है। अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 22 टीचरों की जरूरत है, हमारे यहाँ कुछ सिविल वर्क्स के लिए पैसे की जरूरत है। मैं खुला आरोप लगाता हूँ आपको, मैं आपके माध्यम से मैं शिवसेना के ऊपर आरोप लगाता हूँ कि शिवसेना गवर्नमेंट जो है हमारी महानगर पालिका की शिवसेना की जो सरकार है वो जानबूझ करके जानबूझ बोलते हैं कि टेक्निकल फ्लॉज ला करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बाधा डालने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमारी सारी टीम लड़ रही है और हम काम करवा रहे हैं। नहीं बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, माशाल्लाह काम चालू है हमारा, काम चालू है हमारा। सर कैसा है, सर कैसा है ना, कई प्रेस टू प्रेस की जो रिपोर्ट आप भेजते हैं यहाँ से, लेकिन ऊपर लेवल से कई कई कुछ चीजें आती भी नहीं, काट दी जाती है, मालूम है ना। वैसे ही हमारा भी आ रहा है, उम्र को सके विकास के लिए कई काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी उसका उदाहरण देखते हैं, प्रैक्टिकल है। सर इस कामों के साथ आईटीआई की ओपनिंग, सोलह करोड़ की जो होने मतलब भूमि पूजन है वो भी, और इस काम के साथ मेरा भी हॉस्पिटल 1 करोड़ का आरोग्य के होने वाला था ओपनिंग, और 70 लाख रुपए का गार्डन मैदान और सनसेट कैंप की ओपनिंग होने वाली थी उसी दिन, लेकिन उसको माननीय सुधीर भगत साहब नगर सेवक ने लेटर डाल के उसका विरोध किए और उसको रोका दिए, जबकि अभी 50 लाख रुपए मतलब फंड आ चुका है और पाल भी था, भूमि पूजन था उसका भी बुधवार के दिन 12:30 बजे, 70 लाख रुपए का गार्डन मैदान, 50 लाख रुपए का आरोग्य केंद्र फिलहाल पहले डब्बे में, और ट्रांसफर कैंप और पानी की टाकी ये सब बनाई जाने वाली थी वहाँ, उसको माननीय सुधीर भगत साहब ने लेटर देके रुका ये लेटर, उधर ये सब चीजें पास थी, उधर ये सब चीजें पास थी, तो हमारे सुधीर भगत साहब जो है उनको विकास का काम के बारे में कुछ गाइड करने की आदत तो है नहीं, बाकी बातें बड़ी बड़ी करेंगे। मुमरा का स्टेशन का विकास था तो लेटर देके काम को अलग डाले, कचरा प्राइवेटेशन प्राइवेट को कम देना चाहिए था उसका विरोध किए, अभी कुछ बचा नहीं तो हमारे बर्बाद में विकास। अरे भाई अगर मेरा कहने का मकसद क्या है कि आपको अगर राजनीति करना है तो वो राजनीति आप अवार्ड सबसे लड़ने के करिए, हमसे लड़ने के करिए अलग से, हम सक्षम हो उसके लिए, लेकिन 5-6 करोड़ मुमरा की जनता का जो 5-6 लाख मुमरा की जनता का जो फायदा हो रहा है, जो गरीब लोगों का हॉस्पिटल बन रहा है, मैदान बन रहा है, गार्डन बन रहा है, टैक्सी कैंप बन रहा है, पीने की टाकी बन रही है, उसका विरोध करके क्या फायदा कि वो तालाब पे काम हो सकता है कि नहीं। ये ऐसी कई जगहों पे तुमने दुकानें और मकानें बना लिए जहाँ कुछ नहीं बनना चाहिए था। अरे हम हमारे बंगले नहीं बना रहे और हम हमारे लिए होटल नहीं बना रहे,
किया जाएगा तो पहले अतिक्रमण हो चुका है इलीगल, आधा मैदान अतिक्रमण हो चुका है, पचास जो मैदान है वो हम लोग ने रोक के रखे। अगर उधर लोगों की सुविधा के लिए कुछ चीजें नहीं बनाई गई तो वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो हमारे और 50 लाख रुपए बजट आ चुका है पास, 70 लाख रुपए घाटन, मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का उद्घाटन करने का था हमको बुधवार के दिन। वो हमारे जो माननीय नगर सेवक विकास पुरुष पूरा मुंगरा बसा के विकास के ठेकेदार लोगों ने सारे विकास के काम को रोक दिया। तो आपकी लड़ाई है तो आप हमसे कोई भी प्रश्न जो भी लड़ाई है जिस माध्यम से लड़ाई है हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हो, लड़ाई करिए। ये सब क्या करने का, विकास के काम करने किसी को विकास के काम को आगे करके आपका कोई भला होगा? ये गरीब जनता के लिए हॉस्पिटल बना, आज आप जाइए आरोग्य केंद्र के अंदर 3-3 फुट पानी भर कर उधर क्या हाल। डॉक्टर परदेसी है, उन्होंने 100 बार शिकायत की मैदान के अंदर कीचड़ है, वहाँ लोग अतिक्रमण बना के कई पुराने कई लोगों ने नगर लोगों ने वहाँ पे गाले बना दिए, शॉप बना दिए, 20-20 लाख बेच दिए, उनके लोग वहाँ पे घरों में रह रहे। लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद आज उधर की ऐसी हालत होने के बावजूद देखने के बावजूद इनका ऐसा प्लान है कि उधर विकास ना हो। तो मेरी आपके माध्यम से एक मैसेज उनको देना है कि आप क्या आपके बाप लोग भी ताकत लगा ले तो वहाँ हॉस्पिटल और ये सब चीजें जो बन के रहेगी हो सकता इंशाल्लाह ताला, लेकिन हो सकता है अभी ना बने लेकिन थोड़े टाइम बाद वो जरूर बनेगी। इतना ही जरूर कहने का, हमारे एक बार अंसारी साहब ने सवाल पूछा हमारे से कि भाई आप लोगों को फंड आने में अड़चने आती है और आप लोगों को तकलीफ होती है। मैं आपको उसके एक छोटा उदाहरण अकाउंट दे देता हूँ। मैं स्कूल के मसले में आपने जैसे पूछा मुझसे, अब मैं आता हूँ मुंगरा में सबसे बड़ी तकलीफ किस चीज़ की मालूम है आपको? सबसे बड़ी तकलीफ हमारे मुंगरा में साफ सफाई की। आप देखो कि हर बिल्डिंगों के पास कचरा पड़ा हुआ होता है, हर गटरों के अंदर मट्टी पड़ी हुई है। म्युनिसिपैलिटी के जो वर्कर्स है, जो हमारे सैनिटरी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो काम सही तरीके से करते नहीं है। हर एक की शिकायत होती है, हर बिल्डिंग वाले की शिकायत, म्युनिसिपैलिटी के जो झाड़ू खाते के विभाग के जो लोग हैं वो सही ढंग से काम करते नहीं है। हमने इसी ऊपर एक महासभा के अंदर प्रस्ताव भेजा कि मुंगरा कौशा में कंप्लीट सैनिटरी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज किया जाए। शायद आप लोगों ने देखा होगा महासभा के अंदर चर्चा हुई इसके ऊपर, 2 दिन चर्चा हुई लगातार। दूसरे दिन माननीय श्री सुधीर भगत साहब ने आवाज उठाई कि हमें प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए वरना हमारे इलाके के जो लोग हैं उनका जॉब अपॉर्चुनिटी छूट जाएंगे। हम क्या उनके पेट पे लात मारने के लिए प्राइवेटाइज करने बोल रहे थे? जो लोग माध्यम काम कर रहे थे हम चाह रहे थे प्राइवेटाइज जब हो जाएगा। आपको इसी हकीकत बताता हूँ, मैं मेरे वार्ड की बताता हूँ। मेरे वार्ड के अंदर 27 वर्कर काम करते हैं, लेबर वर्क, लेबर जो है 27 लेबर काम करते हैं। आपको मालूम है काम पर कितने लोग आते हैं? सिर्फ 50% लोग काम पर आते हैं, 100% की हाजिरी लगाई जाती है और उनका सिंडिकेट बहुत बड़ा, जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है, जिसमें डेप्यूटी सैनिटरी इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है, जिसमें ऊपर के जितने अधिकारी सारे इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग मिल करके पैसा खाते हैं और पैसा खाने के बाद में हमारे इलाके के अंदर तकलीफें होती हैं। अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जितना हमारा खर्चा हम लोग जो पगार देने में और प्राइवेट हम हर साल जो नाला क्लीनिंग करते हैं, गटर क्लीनिंग करते हैं, नगर सेवक के फाइल के माध्यम से हम पैसा खर्चा करते हैं, उसका हमने कैलकुलेशन मारा तो मोर देन 20% to 25% हमारा पैसा बच रहा था प्राइवेटाइज करने के अंदर। ये हमने सारा डीपीआर रिपोर्ट बना करके हमने कमीशन को प्रेजेंटेशन दिया कि साहब देखिए अगर आप इसको प्राइवेटाइज करते हैं तो जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी जॉब वर्क छूटेगी भी नहीं, प्लस हमारा पैसा भी 10% बचेगा। कमीशन ने प्रेजेंट किया इसको मगर महासभा ने उसको फेल दिया। उसके बावजूद आवाज साहब ने इस मंत्री को भेजा स्टेट गवर्नमेंट में। मैं समझता हूँ कि अगर ये आचार संहिता के बाद में हमारी सरकार आती है या नहीं भी आती है ये मंजूर होकर ऑफिस आएगा। वो चाहते ही नहीं है कि मुंगरा के अंदर किसी भी तरीके के विकास के काम हो। आपको मालूम होगा हमारे फ्लाईओवर बना गया मुंगरा स्टेशन के ऊपर, आप जाकर महासभा के अंदर हमारे जो यूनिट डिटेल है निकाल सकते हैं। इसके ऊपर राजन गिरी साहब ने बाकायदा इसके ऊपर अपोजिशन अपोज किया था, आपको जानते होंगे। तो जब आज ये फ्लाईओवर हमारे अच्छा हुआ या बेकार हुआ? अच्छा ही हुआ ना। तो ऐसे हमारे जो ऐसे काम जो है हमारे जो ऐसे काम जो है जिससे लोगों का भला होता है हम उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं और हम हद तक करेंगे। और आपने जैसे कहा ना कि आप लोगों को लोग डरा देते हैं या धमका देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो 3-4 महिला जो बैठी है ना ये सूचना के सारे निर्देशों के लिए काफी है, हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आनंद है, आपको एक बात बता दो, आपको ये बात मालूम होगा जब भी ऐसा स्कूल जो उर्दू का पुराना उसके रोड जो मामला आता है ना ऐसे ही उसको रोक दिया जाता है। कम से कम है ना मैंने अपनी आंखों से हाउस में कईयों बार देखा अश्लीन मैडम को उसके लिए लड़ते हुए। मतलब आदमी कोई चीज पर्सनल नहीं कर रहा, हम हमारा बंगला नहीं बना रहे, हम हमारी दुकानें नहीं बना रहे, नहीं टीम वर्क मतलब टीम वर्क है। जब भी हमने एफ आई आर दाखिल उस मामले के ऊपर आज हम लोग के ऊपर एफ आई आर दाखिल
एक पूरा टीम खेल रही है। राजू अंसारी साहब के ऊपर कैसे, पुष्प पे कैसे, मैडम पे कैसे, हीरा पटेल साहब के ऊपर कैसे, ऐसा पांच नगर सेवक के ऊपर क्या एफ आई आर है। सत्ता उनकी है, वार्ड नंबर 60। बिल्डिंग के पास वो मसला भी हम लोग सॉल्व किए।
हमारे पत्रकार बंधुओं से मैं जैसे कि आप लोगों ने देखा और अक्सर ये होता है कि कहीं पर आप जाते हैं आपको गंदा पानी दिखता है बहता हुआ, हम सब फोटो खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, आप सबसे पहले काम ये करते हैं कि नगर स्थानीय नगर सभा बोलते हैं ना आप लोग कि भाई आपके वहाँ गए थे यहाँ पर गंदा पानी बह रहा है। अक्सर करके नगर सभा साइट पर पहुंचता है, जाकर के देखता है, बहुत कोई मतलब कोई दूर होगा वहाँ इलाके में नहीं होगा वही नहीं पहुंच पाएगा, वरना अक्सर लोग विदिन 2-3 आवर वहाँ पहुंच जाते हैं। जाने के बाद हमको जो दुश्मनी आती है वो हमको आपसे शेयर करना चाहता था। हम वहाँ जाकर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में हम देखते हैं कि वहां पर बिल्डिंग का या सोसाइटी का ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उनकी चैम्बर लाइन होती है, उनकी सेप्टिक टैंक होती है, सेप्टिक टैंक का ओवरफ्लो लाइन जो गटर में आती है वो ब्रेक होती है, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होती है। हमारा गटर बराबर बह रहा होता है या हो सकता है 50% बह रहा होता है, मगर उनका जो चैम्बर लाइन होती है वो 100% जैम होती है, वो लोग साफ करते नहीं है। अक्सर मोहरा वगैरह मोर देन 80% सोसाइटी ऑफ रोड अंदर से मेंटेन किया जाता है, झाड़ू वाला बराबर झाड़ू मार देता है दालों के ऊपर, कचरा बराबर कचरे करके में डाल दिया जाता है, मगर उनकी सेप्टिक टैंक आज 10-10 सालों के लोगों ने साफ नहीं किए, लोगों ने अपने ड्रेनेज सिस्टम आज तक 10-10 सालों के साफ नहीं किए, तो ड्रेनेज सिस्टम जब साफ नहीं करोगे तो मट्टी भरेगी तो वो पानी बाहर बहेगा ही। अब बाहर बहेगा, हमारा प्रोविजन दो है, पहला प्रोविजन ये है कि आपको उसको 100 रुपये पेनल्टी मारनी चाहिए 3 बार तक। आपको क्या मालूम होगा किसी का ड्रेनेज सिस्टम अगर बह रहा था महानगर पालिका वो सैनिटरी इंस्पेक्टर 100 रुपये की फाइन मारती है 3 बार, 100 मारी फिर 100 मारी, उसके बाद के उसने नहीं बनाया तो मुंसिपल कॉर्पोरेशन खुद बनाती है, उसके एवज में उसे 10,000 रुपये उसके टैक्स के अंदर ऐड किया जाता है, 10,000 रुपये। ये प्रोविजन है हमारे पास कि आप अगर वो 3 बार में नहीं सुधरता है, अगर वो सोसाइटी नहीं सुधरती है तो आप 10,000 रुपये ऐड करिए और उतना काम करवा के लिए जायज काम कर तो उतना ऐड करके काम करवा के लिए। मैंने अपने वार्ड के अंदर ऐसा काम किया है, करने के बाद मतलब क्या मालूम है आपको, 10,000 वो मुझे अपने जेब से बताया, तो कहीं ना कहीं हमको हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि भाई अगर हमारा पानी, हमारा गटर का पानी, हमारा ड्रेनेज का सिस्टम, हमारा सीपेज का सिस्टम, हमारा सेप्टिक टैंक का पानी अगर रस्ते पर बह रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी ना कि नगर सेवकों की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर उसके अंदर आपको मदद चाहिए नगर सेवक की, आप नगर सेवक काम में बात करिए, साहब यहाँ पर पाइप डल रहा है, अगर आप हो सके तो आप आपके पास से पाइप दे दीजिए या मेहनताना जो होता है उसे आधा मेहनताना आप बेयर कर लीजिए, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। मगर कम से कम हमारे पास हमारे काम तक बात तो आवे कि भाई ये प्राइवेट काम है, प्राइवेट काम को भी हमको ठीक करना पड़ रहा है। आज घुमरा सारे नगर सेवा हर बिल्डिंगों का भाई कुछ काम जरूर कर रहे हैं, आप जिस बिल्डिंग में आप उसमें आपके एतराज पे आकर देख लें कि कहीं ना कहीं प्राइवेट का बिजनेस जरूर किया होगा, क्या आपके यहाँ कदम नहीं किया होगा, क्या अनुभव नहीं किया होगा, ये बिल्डर ने प्राइवेट काम भी नहीं किया ये है ना, तो उसको भी आप लोग अप्रिशिएट कीजिए और हमारे साथ ही इंशाल्लाह और बहुत सारे बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा, ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा। पांडे जी, ग्राउंड पे कितने सारे रोड आए, UTWD रोड 1 करोड़ रुपए की तो बने, स्टेशन बना, पांडे जी जो आप बोल रहे हैं ना, सुनिए क्या बोल रहे हैं, वो मसला बहुत ही पेचीदा मसला है, वो कम से कम 2-2.5 साल से वो मसला चल रहा है, वो पानी के जाने की जो लाइन है वो बराबर स्थायी सिस्टम नहीं, और यहाँ का उधर पूरी कॉलोनी का कचरा उस नाले में आता है और वो नाले में जितना भी साफ करा हो वहाँ साफ करा हो कम करा उतना फिर आ जाओ, तो वहाँ के लोगों की भी जवाबदारी है तो उसमें कचरा नहीं लगता। केवल लाइटर का ठीक है, मैं ऑफिस को बुलाऊं, कचरा लगा है उसका परमानेंट सॉल्यूशन करना है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि उसके भारत पोलट के आपको थोड़ी वो लगा चाहिए ओ सर, और उससे पहला जो आपने ऑफिस का कौन पूछा था ये बता रहा हूं, आगे एक और बिल्डर है उनके पास से 2-2 फीट जगह मिल जाती है तो नाला पूरा फ्लडिंग हो सकता है और पानी इस तरह से जाता है। काम हमने करा है तो उसका लेटर भी आया है। पांडे जी,
गुलशन मस्जिद थी वहाँ पे 5 साल से बाद में आया था गुलशन मस्जिद के बाद एक मसला अटका हुआ था, 7 साल से मसला अटका हुआ था, जो पानी जाता ही नहीं था और पानी पूरा 5 फीट पानी आता था तो पूरा भर जाता था, मस्जिद के अंदर पानी घुसता था। अब जब बाजू की सोसाइटी वाले लोगों ने जगह दी, जगह देने के बाद में वो पूरा पानी चला गया और कॉर्पोरेशन ने 80 लाख रुपया उसके अंदर फंड पास किया। पहला हमारा टारगेट मेरा और सुरेश भाई का रहेगा उसके बड़ा काम नहीं है, उसका बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम